नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं, पता है आपको चैनल का नाम है आशीष चिकना, तो इसमें आपका स्वागत है। तो आपके टॉपिक आपके पास क्या है, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आपके पास कॉन्स्टेंट परटर्बेशन परटर्बेशन ऑफ टाइम। टॉपिक का नाम आपके पास ये है, जो आपके पास ये टॉपिक है कहाँ कहाँ यूज होता है। आपके पास एमएससी में ही आता है, आपके पास पेपर आने वाले हैं अभी, उन्हीं के लिए आपके पास कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। और ये आपके पास एमएससी एंट्रेंस में, और ये आपके पास नेट और जेआरएफ के पेपर में, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है। इस टॉपिक के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपके पास, इसका आपके पास सारा प्रूफ करवाया जाएगा। हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं आपके पास, कल मैंने कल वाले वीडियो के अंदर बताया था पर्टर्बेशन का मतलब समझाया था। तो पर्टर्बेशन का क्या मतलब था, मीनिंग मीनिंग ऑफ पर्टर्बेशन का मतलब क्या था, गड़बड़ी गड़बड़ी था। बाकी जानकारी मेरी प्रीवियस वीडियो है, उसमें आप चेक कर लेना, सारी डिटेल इसकी खोल खोल के बताई थी। अब बात करते हैं बिना देरी के, हम स्टार्ट करते हैं आपके पास इस जो टॉपिक है उसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो डेरिवेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो एमएससी वाले बच्चे हैं अभी जो पेपर देंगे वो अपना कॉपी पेन अपना साथ ले लें, क्योंकि आपके पास सारे पॉइंट इसमें नोट करवाए जाएंगे आपको। बाकायदा एक एक का मीनिंग बताया जाएगी कि सर आई तो कहां से आई। तो बात आपके पास करते हैं, एज वी नो दैट हम जानते हैं, किसको जानते हैं, टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्स्टेंट की बात करेंगे आपके पास, टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, ए सबस्क्रिप्ट में एन एस आर गिवन बाय, इसके टर्म को कैसे लिखते हैं हम, दो हिस्से में लिखते हैं इसको। तो दोनों हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे कैसे लिखते हैं। तो आपके पास बात आती है, ए का डॉट का मतलब है इसका डेरिवेटिव। क्या है बच्चों, इसका मतलब है डेरिवेटिव। अब बात करते हैं आयोटा एच कट इसकी पावर -1। -1 मतलब इसको नीचे लेके आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम इसकी इक्वेशन क्या होती थी, समेशन ले ले। समेशन क्यों लेते हैं हम, और ऑल के लिए आप क्या लेते हैं, समेशन का प्रयोग करते हैं। एन ए की सबस्क्रिप्ट में एन। अब बात आती है हैमिल्टोनियन की, बात आई थी आपके पास हैमिल्टोनियन के एन। के और एन का मतलब क्या है, यहाँ पे के और एन आपके पास दो स्टेट हैं जब आपने लिखा है। अब बात कर रहे हैं आपके पास ये टर्म क्या आती थी, आई आई यहाँ पे क्या है आपके पास, आयोटा जिसको बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा के सब्सक्रिप्ट में आप दो टर्म आई है आपके पास, यहाँ पे कौन कौन सी आई है वो लिखो आपके पास, के और एन आई है। तो के और एन लिखो, इनटू में आपके पास टी है ही, तो ये आपके पास टर्म होती थी टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट पर्टर्बेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये। यदि हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई करें तो आपके पास क्या होगी वो वाले और देख लें, ये वाले आयोटा एच कट -1, ये वाई टर्म आपने क्या लिखी, एच डी लिखी। फिर आपने क्या किया, समेशन लगाया, एन आपने लिखा और ए एन आपने एच डी लिखा, ये वाली टर्म आपने यहाँ पे याद तक होगी। अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन का प्रयोग वाली टर्म, आपके पास दो आई है के और एन आई है, के और एन को आपने तोड़ना है हैमिल्टोनियन की फॉर्म के अंदर। आपके पास के हैमिल्टोनियन, और उसके बाद आपके पास किसकी बात आती है, एन, ये आपके पास लगा दिया। अब बात कर रहे हैं आपके पास ये वाली टर्म है, क्या लिखोगे, एज डी लिखोगे, ई आयोटा ओमेगा के एन इंटोमेटिव। ये मैंने ये टर्म क्यों लिखी है, क्योंकि आपके पास ये टर्म यूज होगी आपके पास, तो मैंने ये टर्म लिख दी और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए।
क्या नाम दे दिया बच्चों इसको? इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया। अब बात करते हैं आपके पास इससे आगे स्टेप में क्या होगा, तो मेरे मेरे साथ साथ आप लिखते जाएं। आपके पास फिर आपने क्या करना है, सपोज यहां से स्टार्ट होता है आपके पास, ये तो आपके पास टर्म आई थी आपके पास। अब जो टर्म लिखेंगे उसी को इसको एक्सप्रेस करके लिखेंगे आपके पास, तो ये टर्म मैंने लिखवा दिया आपके पास। अब बात आती है आप क्या लिखो, सपोज दैट, सपोज करना आपने किसको सपोज करना है, पार्टर्वेशन, पार्टर्वेशन को किसको सपोज करना है भाई, किसकी वैल्यू क्या लिखनी है। तो पार्टर्वेशन इज अप्लाई, यदि हम पार्टर्वेशन को अप्लाई करें, क्या अप्लाई करो आप, पार्टर्वेशन को अप्लाई करो किसके बराबर है, एट टी इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू क्या है आपके पास है, 0 है। एंड किस केस में, एंड टी ग्रेटर देन 0, इस केस में टी ग्रेटर देन 0, तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास कॉन्स्टेंट, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो आपके पास इट इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये आपके पास ए टी ग्रेटर देन 0, तो आपके पास कौन सा होगा, कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होगा। बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम इससे जो टर्म लिखेंगे आपके पास, इस वाले का यूज करके लिखेंगे, यहां तक आप जल्दी जल्दी नोट करें, और इसको इक्वेशन ए को मैं एक्सप्रेस करता हूं अगले स्टेप के अंदर। आपके पास अगला स्टेप क्या है इसका, वो देखें आपके पास। हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि आपके पास हर चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात कर रहे हैं आपके पास फिजिक्स का जो भी टॉपिक है आपके पास, उसकी जानकारी दी जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम उसको एक्सप्रेस करके लिखेंगे आपके पास। इक्वेशन ए आई थी आपके पास, सो इक्वेशन ए विल बी एक्सप्रेस एज, इक्वेशन ए को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, ए सबस्क्रिप्ट में के इंटू टी इज इक्वल टू, क्या सब बताया था आपके पास वहां पे, सबसे पहले आयोटा एच कट इसकी पावर माइनस का 1 थी, फिर क्या था आपके पास के हैमिल्टोनियन, और आपके पास क्या टर्म आई थी वहां पे, आपके पास कई जगह आप लिखते हो एन लिखते हो एम लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं आपके पास, एम लिखो चाहे एन लिखो, पर आपके पास सब्सक्रिप्ट आपके पास लिखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए आपके पास, लिखो तो उसमें आप लाइन लिख देना सब्स, ये आपके पास इक्वेशन ए विल बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एम या फिर इन द फॉर्म ऑफ एन, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसका लिमिट लगाएंगे, लिमिट आपने लगा दी 0 से लेके 1 तक, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ई की पावर, ई मतलब जो आपके पास एक्सपोनशियल की टर्म है, आयोटा ओमेगा के एम इंटू टी इंटू में, अब टाइम आया है आपके पास यहाँ पे, तो टाइम आपके पास डी टी लगाएंगे। अब बात कर रहे हैं ये वाई टर्म आपने इक्वेशन नंबर ए को क्या किया, एक्सप्रेस किया, तो और हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके पास, ये वाई टर्म यहां तक एज इट इज है, आयोटा एच कट -1 के इंटू में एच डैश आपके पास एम इंटू में। अब हम इसका एक्सपोनशियल टर्म खोल लेंगे, एक्सपोनशियल के टर्म आपके पास खोल लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन खोल लेंगे। इंटीग्रेशन आपको आता है, देखो क्या होता है, पहले हम लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दिया बच्चों आपने, ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, लिमिट आपके पास है 0 से लेकर टी तक लिमिट लगाएंगे। ई की एक्सपोनशियल का क्या होता है आपके पास इंटीग्रेशन, सबसे पहले आपके पास इसको मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं आयोटा ओमेगा के एम इंटू में टी, ये इंटू टी अलग है, ये सबस्क्रिप्ट में आपके पास, ठीक है बच्चों। अब बात कर रहे हैं आपके पास ये सबस्क्रिप्ट में आपके पास, अब इससे आगे क्या करेंगे, आयोटा ओमेगा के एम टी इंटू में टी, अब ये टर्म आपके पास इसका
इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद अब आपने क्या करना है, लिमिट को और पुट करना है। तो लिमिट को और पुट करें आपके पास आयोटा एक्स कट इनटू या इसकी पावर होगी माइनस वन और आपके पास के एच डैश एम। अब आपने पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं आपके पास यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, आयोटा ओमेगा के एम टी। अपर लिमिट आपने टी है तो टी आपके पास है जी टी जाएगी, लोअर लिमिट आप केप करोगे तो आपके पास वन बच के आएगी, तो दो अंडर में है तो आपके पास अंडर में आपके पास वो होगा वही आएगा ओमेगा के एम और टी आपके पास किसमें काउंट होगी, इसमें टी के रिस्पेक्ट में तो आप कर रहे हो तो उसमें आपके पास काउंट होगी, आपके पास टी आपके पास यहाँ पे है तो सबक्रीम में आप डेरिवेटिव कर रहे थे तो यहाँ से ध्यान रखना टी इसके साथ नहीं लिखना कोई डेरिवेटिव, तो ये इसका कर रहे हैं आपके सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं आपके पास यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं आपके पास, इसका टी आप नहीं लिखे। ये आपके पास यहाँ तक की टर्म आई, कोई डाउट है यहाँ तक नहीं है तो आप इसको एक्सप्रेस करके इस फॉर्म को हम लिख रहे हैं आपके पास, ये हमारी लिखे रहेगी। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ आपके पास वो देखें, प्रत्येक जो चीज होती है आपके पास फिजिक्स के अंदर हर चीज आपके पास एक ना एक सबक से जुड़ी होती है, मतलब कड़ी से स्टार्ट करते हैं आपके पास एक कड़ी से लेके दूसरी कड़ी में कैसे जोड़ते हैं आपके पास। अब बात करते हैं यदि मैं आयोटा ही टर्म को क्या ले जाऊं बच्चों नीचे ले जाऊं तो आपके पास आयोटा एज इट इज आपके पास ये आयोटा पॉजिटिव हो जाए, आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है बच्चों, बट वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सभी जानते हैं माइनस का वन होता है, तो इज इक्वल टू लगा के माइनस वाला टर्म लिख दो पहले ही, क्योंकि आपके पास आगे क्या है ये वाला टर्म है आपके पास के एच डैश हैमिल्टोनियन वाला, ये आपके पास आपने ये टर्म लिखी आवर में आपके पास एच है, एच आपके पास एच कट वाला नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद में आपके पास क्या हो गया बच्चों एच कट हो गया, एच कट होने के बाद आपके पास क्या क्या बच गया, ये आयटा वाले आयटा स्क्वायर आपके पास यूज होगा, आयटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है माइनस वन होती है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया आपके पास यहाँ पे। अब बात आती है के एम, ये तो आपने लिख दिया, अब आपके पास ब्रैकेट वाली लाइन आती है तो ब्रैकेट वाले आपके पास वो कैसे आएगी, ये सब तो आपके पास आगे नीचे वाले टर्म आपके पास यूज हो रही, ब्रैकेट वाला क्या लिख दो आप एज इट इज लिख दो, तो क्या टर्म आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा ओमेगा के एम टी माइनस में वन, ये वाई टर्म इस वाई टर्म के इस वाई टर्म है, इसके बाद में ये वाई टर्म आ गई आपको समझ में, क्योंकि आपके पास आयोटा नीचे जाएगा तो एच आपके पास एच कट नीचे है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का वन, इससे आगे हम देखते हैं नीचे वाले इक्वेशन को मिटाते हैं रन करते हैं भाई इसको। अब इससे आगे हम कैसे सोल्व करें इसको, तो इससे आगे आपके पास आती है इन द केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी सिस्टम, सो द केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी सिस्टम, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे आपके पास प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं अप्राइम, क्या बोलते हैं इसको प्रायिकता बोलते हैं आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे सिस्टम को नोटेशन दे दिया मैंने पी के नाम से टी इज इक्वल। अब इसके बाद में क्या करें बच्चों आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है ये, यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी हमेशा स्क्वायर के अंदर होती है बच्चों ध्यान रखना आपके पास, इज इक्वल टू ये वाई टर्म आपके पास इसके बराबर में क्या आएगा आपके पास यहाँ पे ये वाई टर्म है इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसका स्क्वायर लगाएं आपके पास के एस कट क्या है बच्चों यहाँ पे एम में। अब बात आई आपके पास क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले टर्म आपके पास इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास क्या है यहाँ से एच कट का क्या कर दो स्क्वायर कर दो ओमेगा इंटू में ओमेगा के एम का क्या कर दें आप स्क्वायर कर दें,
तो ये वाइट टर्म तो आपके पास आ गया। अब ब्रैकेट वाइट टर्म आपके पास, उसका भी क्या लगा दे बच्चों, स्क्वेयर लगा दो उसका भी आपके पास, मोड लगा के इंटू लगा के आई ओमेगा के एम माइनस में वन, इसका क्या आ गया, स्क्वेयर आ गया। इस वाइट टर्म से आपने इस वाइट टर्म लिख दी, क्योंकि ये वाइट टर्म आपके पास क्या एक बराबर आ रही थी आपके पास, तो ये वाइट टर्म है इसका क्या कर दिया, स्क्वेयर स्क्वेयर खुल रहा है। अब बात करते हैं आपके पास आपने कौन सी रिलेशन यूज करनी है, वो रिलेशन यूज करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास ये वाली क्वेश्चन मैं लिखे रहने देता हूँ। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास प्रोसेस क्या है। तो एक क्वेश्चन आपने कुछ रिमाइंड करना, आपने इस वाले क्वेश्चन को क्या मैं कैसे लिख देता हूँ आपके पास, तो इसके लिए फॉर्मूले हैं। तो यूजिंग करनी आपने, यूजिंग रिलेशन आपने क्या क्या रिलेशन यूज करनी है, यूजिंग रिलेशन आपने रिलेशन का यूज करना है। कौन से रिलेशन का यूज करना है बच्चों, आपने रिलेशन का यूज करना है यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, क्या यूज करना आपने, जीरो, जीरो यूज करना है। अब बात करते हैं ई की पावर यदि आयोटा एक्स माइनस वन हो जाए, क्या हो जाए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं आपके पास रिजल्ट है इसके, टू आयोटा, सबसे पहले टू आयोटा की फॉर्म में आएगा, फिर ई की पावर एक्स बाय टू की फॉर्म में आएगा। अब आपके पास एंगल का क्या आएगा, आपके पास साइन ऑफ एक्स बाय टू आएगा। यहाँ पे आपके पास ये वाई टर्म है, यदि मैं इसको ई की पावर एक्स बाय टू है इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ आपके पास, तो आपके पास टर्म कैसे बच के आएगी, टू आयोटा ये ई की पावर एक्स बाय टू आपके पास, तो आयोटा आने के बाद में मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ आपके पास, क्योंकि आपने क्या लगाने, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट लगाओगे आपके पास, फंक्शन के साथ लगेगी नहीं आपके पास, इसके साथ लगेगी, तो आपके पास ये वाई टर्म आपके पास ये आएगी आपके पास। अब बात करते हैं इसके जगह क्या लिखेंगे, उस वाई टर्म को लिखते हैं आपके पास, तो आपके पास ये मैं लिख रहा हूं आपके पास इस वाई टर्म को, इस वाई टर्म के लिए फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, ए की पावर में यदि कोई आयोटा के साथ में एक्स हो माइनस में वन हो, तो उसकी आपके पास कैसे लिखते हैं उसको, फोर साइन स्क्वेयर, क्या लिखते हैं बच्चों, फोर साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू की फॉर्म में लिखते हैं आपके पास। अब ये हमारी आइडेंटिटी है, आपने ये वाला रिलेशन है, रिलेशन आपने याद करनी है, ये वाला रिलेशन आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद आपको क्या ओबटेन होगा, तो मैं ये वाली इक्वेशन को एक्सप्रेस करता हूँ इस वाली फॉर्म के अंदर, अगले स्टेप के अंदर आपके पास इस वाले स्टेप को रब करता हूँ। अब आपके पास ये वाइट टर्म है, इसको मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा भाई, इसको मैं इसके अकॉर्डिंग लिख के दिखाऊं। सो क्या है आपके पास बच्चों, शब्द आपके पास ए की पावर में आयोटा ओमेगा के एम माइनस में वन है आपके पास, और इसका क्या है, स्क्वेयर है आपके पास, इसको एक्सप्रेस करो आपके पास, फोर तो आएगा आपके पास और साइन स्क्वेयर वाली टर्म भी आएगी आपके पास बच्चों, और उससे आगे क्या आएगा बच्चों आपके पास, एक्स है आपके पास ऊपर, यहाँ पे ओमेगा है, आयोटा नहीं आएगा, एक्स आया है यहाँ पे, तो एक्स के फंक्शन में यहाँ पे ओमेगा की फॉर्म है, तो ओमेगा के एम क्या है बच्चों, यहाँ पे ओमेगा के एम इंटू में टी आवर में, और मैं क्या लिख दूं इसको, एंगल एंगल वाले को एंगल एंगल लिखना आपने, एंगल एंगल वाले टर्म को, क्योंकि आपके पास एंगल एंगल लिख रखा है, इसमें बाएं में क्या आता है हमेशा बच्चों ध्यान रखना, टू आता है यहाँ से, इसको देख के ये वाला स्टेप है, इसको देख के आप ये टर्म लिख सकते हैं। तो इक्वेशन आपके पास ये जो आई थी आपके पास, उसको मान ले इक्वेशन बी मान ले, इसको जो आई थी ना वही इक्वेशन, उसको आप बी मान ले। अब आपने वो माननी है, उसकी जगह आप उसको एक्सप्रेस करके आप कैसे लिखेंगे इक्वेशन बी को, ये वाली आइडेंटिटी आपने वहां पे लगानी है, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा के आपके पास बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो वाली इक्वेशन आपके पास क्या आई थी,
एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ, वो इक्वेशन आपके पास क्या आई थी और रिजल्ट क्या है इसका मेन आपके पास रिजल्ट, आपने इसको एक्सप्रेस करने के बाद क्या आएगा बच्चों आपके पास, ए के इंटू में 1 था आपके पास और किसके रिस्पेक्ट में था आपके पास, प्रोबेबिलिटी के केस चल रहा था आपके पास, प्रोबेबिलिटी का क्या आया था स्क्वेयर आया था, तो स्क्वेयर के अंदर आपके पास कौन सी टर्म निकल के आई थी बच्चों आपके पास, 4, क्योंकि 4 आपके पास वो है, और क्या टर्म आई थी आपके पास यहाँ पे K H-M आपके पास आया था, इस वाली टर्म आने के बाद आपके पास क्या हुआ था स्क्वेयर हुआ था, आवर में क्या आया था आपके पास वहां से एच कट का क्या किया क्या कर दिया था हमने प्रोबेबिलिटी केस में स्क्वेयर कर दिया था, तो स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर KM यहाँ तक आपके पास हो गए। अब आपके पास एंगल वाली टर्म हो, लेकिन भाई एंगल में आपके पास यहाँ पे क्या बच के आया है, ये वाले तो पीछे से आपके पास थी, अब ये एंगल एंगल वाला और है ये आपके पास है, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, आपके पास हो गया साइन स्क्वेयर ओमेगा KMT आवर में 2, ये वाली आपके पास क्या है ये वाला है आपके पास ओमेगा स्क्वेयर, तो टोटल आपके पास क्या है जो आपके पास कांस्टेंट पार्टर्वेशन ऑफ टाइम का ये आपके पास रिजल्ट है कांस्टेंट, बट आपके पास एक टर्म और बच गई, आपने क्या ड्रा करना है यहाँ पे, आपने इसका इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ ड्रा करना है भाई, इसका ग्राफ वो ड्रा कर ले, क्योंकि ग्राफ आप ड्रा करते हैं ग्राफ के 2 नंबर मिलते हैं बच्चों आपके पास, तो इसका ग्राफ वो ड्रा कर लेते हैं हम, तो इसका ग्राफ आपके पास ड्रा करते हैं, ये तो था आपके पास रिजल्ट, रिजल्ट था किसका रिजल्ट था कॉन्स्टेंट पर्टर्बेशन ऑफ टाइम का रिजल्ट था, बट आपके पास एक चीज और बची गई है इसका ग्राफ निकालना, किस किस के बीच में है आपके पास ग्राफ बच्चों आपके पास, यहां से क्या है बच्चों आपके पास साइन स्क्वेयर, पहले मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ फिर आपके पास इसके अकॉर्डिंग बता दूंगा, तो पहले मेरे साथ साथ आप क्या करें ग्राफ ड्रा करें आपके पास, अब इस वाली टर्म आपके पास ऐसे, अब आपने पीक वैल्यू लेनी है तो पीक वैल्यू हम ले रहे हैं आपके पास इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड आपके पास नेगेटिव, 0 वाला बीच में आपके पास 2π/t, 2 के बाद में इवन नंबर किसका आता है बच्चों 4 का आता है आपके पास, 4 के बाद 6 का आता है आपके पास, 6 के बाद 8 का आता है आपके पास, और ऐसे आपके पास चलना जाएगा आपके पास इस साइड आपके पास माइनस का 2π/t माइनस का 4π/t और आपके पास 4 के बाद किसका नंबर आपके पास माइनस का 6π/t, उसके बाद आपके पास 6 के बाद बच्चों स्पेस आपके पास सेम होना चाहिए, स्पेस आपके पास बराबर दोनों साइड आपके पास, तो इस वाले के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है ओमेगा, इस वाले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम ओमेगा KM, ओमेगा KM है आपके पास वो तो है इस साइड है, अब बात करते हैं आपके पास इस साइड कौन सी है आपके पास ग्राफ है, तो इस साइड वाली बात और करते हैं, तो इस साइड वाले टर्म को क्या लिखेंगे आप, ये तो जो पीक वैल्यू है ना पीक वैल्यू का ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना T²/4 लिखना आपने, अब बात कर रहे हैं आपके पास साइन स्क्वेयर, सबसे पहले साइन स्क्वेयर देखो आपके पास रिजल्ट में आपके पास है साइन स्क्वेयर और क्या है बच्चों आपके पास ओमेगा KMB है आपके पास और आपके पास T/2 है, क्या बच्चों आपके पास T/2, तो T/2, अब उसके बाद क्या आएगा बच्चों आपके पास नीचे क्या बच गया था आपके पास ओमेगा स्क्वेयर KM बच गया था, ये वाले साइड आपके पास अपर वाले साइड है, ये वाई एक्सिस क्या लॉन्ग है और ये आपके पास एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, ये था इसका ग्राफ और ये था बच्चों इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट है इसका,
और ये रिजल्ट वाला आपके पास इंटरप्रिटेशन का क्या है, ग्राफ है और बीच वाले जो रीजन है इसको आप कैसे कर दें, इसको आप सेडेड पोर्शन कर देना, इस पोर्शन को क्या कर देना आप, सेडेड पोर्शन कर देना बच्चों। और ये पीक वैल्यू है, ये वाला पॉइंट टी स्क्वेयर बाई फोर है, प्रत्येक गैप आपके पास 2π/t का होगा। ये वाला केस आपके पास कॉन्स्टेंट पर्टर्बेशन ऑफ टाइम, पर्टर्बेशन का मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था, ये आपके पास आज का टॉपिक हो गया। इसका क्या नाम था, कॉन्स्टेंट पर्टर्बेशन ऑफ टाइम। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास आपके चैनल का नाम क्या है बच्चों, मेरा जो नाम है आपके पास वही नाम है चैनल का, मैंने वही रख दिया, उसका नाम आपके पास है आशीष चिकना। तो उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।